तो दोस्तों मैं अभी अपने गांव पर आया हूं और आज मैंने सोचा कि काली मिट्टी से बाल धोते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग हमेशा काली मिट्टी से बाल धोया करते थे और बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आती थी, बहुत सॉफ्ट हो जाता था बाल और बाल काले भी होते हैं ऐसा बताया जाता है। तो अभी मैं खेत की तरफ आया था, खेतों में घूम रहा हूँ। ये देखिए अभी खेतों की जुताई हो चुकी है और इसमें मुझे लगता है कि चना के फसल, चना, गेहूं और सरसों, यही सब फसल इसमें लगाए जा रहे हैं। अभी मैं नहाया नहीं हूं इसलिए मेरे बाल थोड़ा अजीब टाइप के लग रहे होंगे। तो ये देखिए आप लोग, मैं ये देखिए ये बिल्कुल काली मिट्टी है और इसे यदि आप बाल धोते हैं काली मिट्टी से तो काली मिट्टी की एक अपनी अलग ही विशेषता होती है। देखिए चारों तरफ देखिए अभी काली मिट्टी दिखाई दे रही है क्योंकि खेत का जुताई हुआ है, तो जुताई होने के बाद मिट्टी ऊपर आ जाता है तो मिट्टी ले जाने में सुविधा होती है। देख सकते हैं इसमें शायद चना बोया गया है, इसमें भी चना बोया गया है, उधर सरसों बोया गया है और उस तरफ आप लोग देख सकते हैं गेहूं के फसल लगाए गए उसमें वो सामने। तो मैं अभी यहाँ से काली मिट्टी लेकर जाऊंगा घर पे और अभी मैंने स्नान किया नहीं है, सोच रहा हूँ आज काली मिट्टी से बाल धोऊंगा उसके बाद मैं नहाऊंगा। और काली मिट्टी से मैं अपने शरीर पर भी लेप लगाता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। पिछली बार भी मैं जब आया था तो काली मिट्टी से बाल और शरीर पर लेप लगाया था, उसके बाद जो आपको रिलैक्स महसूस होता है वो शब्दों में मैं आप लोगों को बयां नहीं कर सकता। तो चलिए एक काली मिट्टी का एक बड़ा सा उठाते हैं काली मिट्टी, फिर देखते हैं इसको। काली मिट्टी को ले जाकर पानी में मैं फूलने के लिए डाल दूंगा और जब ये फूल जाएगा अच्छी तरह से, जब घुल जाएगा तब मैं इसको अपने बालों पर लगाऊंगा और अपने शरीर पर भी लेप लगाऊंगा, फिर जो मज़ा आएगा ना फिर मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। काली मिट्टी उठाते हैं इधर से अच्छा सा देख के। चलिए हो गया, ये मैंने ले लिया अब चलते हैं अपने घर पर, इसको पानी में फूलने के लिए डाल दूंगा, उसके बाद अपने बालों पर लगाऊंगा और अपने शरीर पर लेप लगाऊंगा। सामने आप लोग देख सकते हैं कि शंकर भगवान का मंदिर है, कहाँ चल रहा खेत घूमे घूम क्या हुआ। तो दोस्तों फिर आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ देर के बाद। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने फूलने के लिए भी डाल दिया है, जैसे ही घुल जाएगा इसको मैं अपने बाल और शरीर पर लेप लगाऊंगा। ये देखिए मिट्टी अच्छी तरह से घुल गया है, लगाने लायक हो गया है। अब मैं इसको बालों पर अप्लाई करूंगा और शरीर पर लगाऊंगा इसको, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काली मिट्टी को अपने बालों पर लगा लिया है और अपने शरीर पर लेप लगा लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट तक मैं सूखने देता हूँ, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तब इसको मैं पानी से धोऊंगा और नहा लूंगा, उसके बाद मुझे एक अलग प्रकार का रिलैक्स महसूस होगा। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगा, जब मैं नहाने के बाद आप लोगों से बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसी फीलिंग्स आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी देखिए हल्का हल्का सूख गया है। जब टाइटनेस महसूस होता है तो ऐसा प्रतीत हो जाता है कि सूख गया है, सूख रहा है धीरे धीरे, अभी बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा जब ये सूख जाएगा। तो सूखने के बाद मैं पानी से नहाऊंगा
और नहाने के बाद जो फीलिंग्स आएगी, जो रिलैक्स महसूस होगा, जो दिमाग को शांति मिलेगा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, मैंने अभी स्नान कर लिया है और अभी स्नान करके बैठा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है, और जब मैं जब ऐसे बालों को टच कर रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट महसूस हो रहा है मुझे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से। काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ और दिमाग बिल्कुल मेरा शांत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं मेडिटेशन करके आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप काली मिट्टी का उपयोग करके और अपने बालों पर इसको अप्लाई करते हैं और अपने स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप लोगों को मौका मिले, आप लोग ट्राई कीजिए और वीडियो में आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।